लगातार आप दो दिन से ये सभा कर रहे हैं, सबसे पहले इसके लिए बधाई। यहाँ पे सोशल मीडिया पे लिखना, अखबार में लिखना, वो मौत को न्योता देने के बराबर है, और आप निडर होकर और मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। पहले हमने भी तारीफ किया। साथियों, बात दो दिन में सारी बातें उभर कर आ गई, मुझे नहीं लगता है कि मैं उसमें कुछ नया ऐड कर पाऊंगा, लेकिन मोटा मोटी बात दो चार पांच दस मिनट में मैं बयान करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या जितनी गंभीर आपको दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। ज्यादा गंभीर इसलिए है कि जो व्यवस्था अभी चल रही है उसमें दो चीज का बहुत, दो खतरनाक चीज का गठजोड़ हो गया है। तो कहते हैं ना, करेगा ऊपर से नहीं चढ़ा, तो उसी तरीके से इस देश में एक व्यवस्था तो चलती आ रही थी और लेकिन अघोषित जो मनुस्मृति के विधान से चल रही थी उसका और पूंजीवाद का गठजोड़ हो गया है। मनुवाद और पूंजीवाद का गठजोड़ हो गया सीधा। दोनों में एक खास बात है कि दोनों लाभ लेना चाहता होता है। कैसे आपसे हम लाभ ले रहे हैं? आप मंदिर में जब जाते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं तो कभी कोई आपको मना नहीं करता कि चढ़ावा मत देना। तो दोनों की एक खास बात है कि वो लाभ लेता है और किसी को बांटता नहीं। पूंजीवाद कहता है वर्ग की बात मत करो, और ये ब्राह्मणवाद और मनुवाद कहता है जाति की बात मत करो, बाकी सब बात करो। अभी मैं लगातार और मेरे बहुत सारे साथी कहते हैं कि अरे और क्रांतिकारी बात की जाति में क्यों बात करते हैं? तो मैंने कहा है, जब मैं वर्ग की बात करता हूं तुम कहते हो कि मैं कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट हो गया, जब जाति की बात करूंगा तो तुम्हारे पेट में मरोड़ूंगा, क्योंकि जाने अनजाने तुम उस व्यवस्था का लाभ लेते आ रहे हो। इतिहास का छात्र हूं, इतिहास पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, जीविका है मेरा पढ़ाना, और पढ़ाने के अलावा आपके बीच इलाका जितना संभव हो सकता है आपके बीच रहता हूं।